मार्केट्स को देखते हैं एग्जैक्टली मार्केट निफ्टी क्या कर रहा है इस वक्त। निफ्टी अगर आप देखें तो इस वक्त ऑलमोस्ट 117 अंकों पर। देखिए सुबह का हाई था करीब करीब 73.51, अब हम हैं 73.39, लो लगाने के बाद 73.08 का, यानी जो सुबह मैं जिक्र कर रहा था याद रखिएगा, गैप का हायर एज 73.63 उसकी को अप्रोच कर रहा है, और पूरा बेनिफिट पूरा अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन इस वक्त निफ्टी बैंक दे रहा है। किरण यादव हमारे साथ है, किरण अभी कोई स्टॉक स्ट्राइक कर रहा है आपको जिसको आप चेस करना चाहेंगे इस लेवल्स पे या फिर एंटर करना चाहेंगे अभी? एक सिंजन करके स्टॉक है जहाँ पे एक अच्छी मूव हमें दिखाई दे रही है, करीबन 412 के करीब ट्रेड करता है, 408 का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, टारगेट 424 के हो सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक होगा शिल्पा मिल जहाँ पे एक अच्छी मूव हमें दिखाई दे रही है, करीबन 445 के करीब ट्रेड कर रहा है, 435 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए और टारगेट 470 के हो सकते हैं। हमारा स्टॉक ऑफ द डे था NIT लिमिटेड, सुबह सुबह इनफैक्ट करीब करीब 76-80 का लो लगा, हाई लगाया, फिर रिट्रेस हुआ 76 पे बेस बनाया और अब 76.55 पे। जरा एक बार किरण जरा आर्ली चार्ट्स पे देखिएगा इसको, 60 मिनट चार्ट्स पे लग रहा है किसी अच्छे मूव की पॉसिबिलिटी 80-81-82 पॉसिबल, क्योंकि जो जिस तरीके के रिट्रेसमेंट हमने देखे और उस रिट्रेसमेंट में जो वॉल्यूम आ गई तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा स्टॉक पैटर्न बना रहा है और मेरे ख्याल से 80 से 82 के लेवल्स इस स्टॉक में आ जाने चाहिए, इसके लिए स्टॉप लॉस करीबन 75-50 का लगाना बहुत जरूरी होगा। ओके चलिए इस बीच एक बार फिर से मैं जरा इंडेक्स और इंडेक्स के काउंटर्स पर और इनफैक्ट टॉप ट्रेडेड काउंटर्स पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, वो काउंटर जहां पे वॉल्यूम्स, देखिए वॉल्यूम्स अभी भी SBI अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है नो डाउट, लेकिन इस बीच में थोड़ा सा हट के बैंकिंग से टॉप ट्रेड काउंटर्स पे एक बार फोकस करना चाहूंगा रिलायंस पे। रिलायंस आर्टिकली अच्छा लग रहा है इस वक्त।